أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزيه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين, بين أولادكم

पिछले दरूस में चंद अहम बातों की तरफ मैंने इशारा किया था आज का जो हमारा मौजू है तलबातलबात ताल, के हकूक़ के सिलसिले में अदलानसाफ़ल अदल ममसाव मबीन इसल और तलबा से जुड़े हुए तमाम अफराद के लिए ज़रूरी हैं कि तालीम और तरबियत के सिलसिले में अदल ममसावत को अपनाएँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है इस मैदान में इसके बग़ैर तालीम और तरबियत का जो अदीम मकसद है वो मुकम्मल नहीं हो सकता वो पाए तकमील को नहीं पहुँच सकता जब तक कि तलबा तालबात के दरमियान हम इंसाफ ना करें हर चीज़ में जो भी लवाज़िमात होते हैं जो तमाम चीज़ें मैं आगे उसकी तरफ रोशनी डालूँगा उसदा को चाहिए मरबीन को चाहिए मौलमात और उनसे जुड़े हुए तमाम अफराद जिनको जिम्मेदार बनाया गया है चाहे वो शरियबार से हो दुनियावी एतबार से हो जो ज़िम्मेदारी दी गई हैं उनके लिए ज़रूरी है कि तलबा के दरमियान इंसाफ को इंसाफ को मसाव को बरकरार रखें जहानत व फ़तानत और, और वतनीत अलाकाइत माल व दौलत हसब नसब ताल्लुक़ वगैरह की बुनियाद पर जो हैं एक को दूसरे पर तरजीह हरगज़ ना दें एक को दूसरे पर तरजीह ना, तरजी ना दी जाए कि हम किसी को ज़्यादा चाहें किसी को ना चाहें किसी को ज़्यादा केयर करें किसी को ज़्यादा ना करें किसी की तरफ ज़्यादा तोज् हों और किसी को देखकर कर और किसी और को देखकर ना मुस्कराएँ नफ़रत का मुजाहरा हो या इशारे ऐसे हों किबा महसूस करें कि किदा हमको पसंद नहीं करते इस तरह के मामला नहीं होना चाहिए तमाम के दरमियान बराबरी का मामला करें हर एक के जो हकूक़ हैं उसकी पूरी मुकम्मल जो है रियायत करें ये ज़रूरी हैं और किसी भी तरह का जो है तलबा तलबा के दरमियान इम्तिया सलूक का मामला ना करें क्योंकि ऐसी सूरत में जो है तलबा के दरमियान नफसियाती वो नफसियाती बीमारी में जो है मुबला हो जाएँ जबान से जो है कुछ इजहार भी ना करें कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंदर जो है नफरत और दावत की आग भड़क जाए कभी उस्ताद के ख़िलाफ़ होता है मामला कभी आपस में जो है वो ख़ुद आपस में हसद हसद के और इसी तरह नफरत के जो है शिकार हो जाते तो इस तरह के मामल हरगज़ उनके साथ ना करें और देखिए यही वजह है कि क़ुरान मजीद में अल्ल् तला ने उमूमी तौर से अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है कि हम बराबरी का मामला करें हर एक के दरमियान ख़ास तौर से यहाँ जो हमारी बात चल रही है उमूम से जो है हम दलील लेंगे एक दिलू हुआ अल्लाह ताला ने सुर माह आयत नंबर आठ में कहा कि अदल करो इंसाफ करो यही बात तखवे से ज़्यादा करीब है अल्लाह ने कहा तखवे की बात है मुतियों की सफ़ात है कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं हर मामले में जहाँ जहाँ अल्लाह ताली नेदलोानसाफ़ का अल्लाह नेक्म दिया है हम पर ज़रूरी हम और आप पर कि हम अदल इंसाफ का मुदाहरा करें तलबा के दरमियान मसावत को बरकरार रखें और एक अच्छी फदा जो है कायम रखें कहीं ऐसा ना हो कि वो आपस में जो है नफरत पैदा हो और जो अजीम मकसद जिसके लिए हम जमा हों तलबा तलबात के साथ मुरबीआन अदा वो मकसद जो है हासिल ना हो सके इसी तरह अल्लाह के नबी सा ने खूनी रिश्तों के बारे में औलाद के सिलसिले में तरबियत औलाद की तरबियत के सिलसिले में औलाद के हकूक़ की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने सासन इंसाफ का हुक्म दिया आपने कहा ए दिलुबिन औलादी कम दूसरी बात में दिलुबिन अबनाईकुम ए लोगों तुम अपने बेटों के दरमियान अपने बच्चों के दरमियान औलाद के दरमियान इंसाफ का मामला करो अदल इंसाफ को लाजिम पकड़ो तो ताकीदी हुक्म जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो कुछ देखिए क्लास का जो माहौल होता है तरबियत का जो माहौल होता है वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सवाल करना है तो हम बस अवकात कभी वक्त कम होता है तो एक दो से हम सवाल कर लें कभी अगर वक्त ज़्यादा है या रोज़ाना चंद हर एक से जो है सवालात करें हर एक को मौका दें हर एक को जो है कुछ बोलने का कोई भी उनके पास कोई सवाल है इसी तरह कोई डाउट है कोई बात नहीं समझ में आई तो उसकी पूरी जो है उनको इख्तियार दिया जाए उनको मौका दिया जाए ताकि हर एक के दरमियान अदल का मामला जो है पाए तकमील को पहुँचे वो बरकरार रहे इसी तरह इबारत ख़ानी होती हैं इबारत पढ़ना होता है कोई भी जबान हम पढ़ा रहे हैं इबारत तलबा से पढ़ाई जाती है उनके उम्र के हिसाब से ख़ास छोटे बच्चों से जो है इबारत ज़्यादा पढ़ानी चाहिए ताकि उनको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए बात करने की प्रैक्टिस हो जाए पढ़ने की अच्छी मशक़ हो जाए तो हर एक को मौका इसमें भी देना चाहिए इबारत खानी का मौका इसी तरह तरजीह जो है तमाम की करें ख़ास से जो मुस्तक होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं रोज़ाना हाजिर होते हैं याद करके आते हैं होमवर्क करके आते हैं कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब देते हैं और क्लास के माहौल को जो है बरकरार रखते हैं कोई बद बद तहजीबी से जह बद तहजीबी का मुदाहरा नहीं करते बे का मुदाहरा नहीं करते ऐसे तलबा की हम जो हैं तरजीह करें बार बार जो है उनकी तस्जी करें और इसी तरह हसब इस उसदा कोशिश करें कि अपनी तरफ से चाहे छोटा ही सही एक इनाम जो अच्छा पढ़ते हैं दिलचस्पी पैदा करने के लिए उनके अंदर और शौक़ जज्बा पैदा करने के लिए कुछ इनाम छोटा ही सही कलम ही सही पाँच दस रुपये ही सही उसकी बड़ी कीमत होती है इनाम में जो चीज़ मिलती है बड़ी उसकी कदर वीमत होती है और वो बाज़ तलबा जो गरीब खानदान से होते हैं ख़ास तौर से वो बहुत जो है उनकी तरह होती है और वो पढ़ने में आगे और जज्बे के साथ शौक़ के साथ जो है आगे बढ़ते हैं इसी तरह नंबर के सिलसिले में देखिए इना इम्तहान के दौरान नंबर के सिलसिले में सवालत बनाने में भी जो है मुस्तवे का ख्याल रखें उसमें भी अदल इंसाफ का मामला हो हर एक के मुस्तबा जो बिल्कुल कमज़ोर है उनकी रियायत भी करें जो दरमियान है उनकी रियायत भी की जाए और जो मुमताज़ तलबा तालबात हैं उनकी भी मुकम्मल हम रियायत करें ऐसा नहीं कि इतने आसान भी ना हो कि आ, उनके अंदर जो है बड़े तलबा को कुछ आ, जो मुमताज़ होते हैं मुमताज़ तलबा जहीन तलबा को कुछ गम ना हो कि इतनी मेहनत हमने की और मामूली से हर एक जो है आसानी से जवाब इस तरह कुछ चीज़ें उनके दरमिया फिक्री तौर से फिक्री इंतशार के शिकार हो जाते हैं फिक्री तौर से इसी तरह तो सवालात में इंसाफ होना चाहिए पर्चा चक करने में भी इंसाफ़ होना चाहिए जो जिस नंबर का मुस्क है उसको दिया जाए इसमें भी इंसाफ़ होना चाहिए इंताम ना लें क्लास में कभी ऐसा होता है किसी ने हमको कुछ कह दिया कुछ कर दिया तो उसका इंतकाम बाज़ लोग जिनसे शिकायत आती है कि मेरे नंबर उस्ताद ने काट दिए मौलिमा ने जो है काट दी ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ इंतकाम नहीं लेना चाहिए बल्कि इंतकाम ही नहीं लेना छोटे मासूम बच्चे हैं हमारे औलाद की तरह हमारी भाई, भाई भाई बहनों की तरह हैं उनके साथ मोहब्बत शफ़त से जो है हम पेश आएँ इसकी हम पूरी कोशिश करें और इसी तरह जो है इंतकाम उनसे ना लें हरगिज़ ना लें क्योंकि तलबा तालिबात हमारे जहाँ भाई बहन होते हैं रूहानी जो है औलाद कहलाते हैं, कह हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सा के इस कौल से मैंने दलील ली दिलोब औलादी कुम अपने औलाद के दरमियान इंसाफ का मामला करो इंसाफ का मामला तो रूहानी बेटे हमारे होते हैं रूहानी भाई बहनें होती हैं माएँ होती हैं जो बड़ी उम्र के अगर कोई पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन आ, इन चीज़ों का जो है मुकम्मल इन चीज़ों की रियायत करें इंसाफ को बरकरार रखें तलबा के दरमियान इंसाफ को बरकरार रखें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में तलबा के जो हकूक़ जिनके बारे में हमने सुना उन हकूक़ को समझने और उनको मुकम्मल अदा करने की तोफ़ता फरमाएँ इस सिलसिले में जो भी कोताहियाँ सुस्ती और गलत चीज़ें हमसे सरजद होती हैं अल्लाह ताल उससे धरगुदर फरमाएँ अल्लाह ताली हमें तलबा के दरमियान इसाफ करने की शादत नसीफ़ फरमाएँ धुलमसीतम सलिल्ला बछाए आमीन सामीन व मालीनाबलामबी अलकम वरम्हि वबरक